गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है वैलेंटाइंस डे स्पेशल गाउन्स एंड ड्रेसेस हॉल। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस रखे हैं, डिफरेंट लेंथ के, और आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा ही, बट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑल्सो ये जो सारे ड्रेसेस हैं ना वो विद इन टू डेज डिलीवरी वाले मैंने सेलेक्ट किए थे, जो मुझे आज मिल जाए, मतलब दो दिनों के अंदर मिल जाए, क्योंकि मुझे बनानी थी वैलेंटाइंस डे थीम पे वीडियो और मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। तो अब जल्दी से बनाऊंगी, जल्दी वीडियो जाएगी तभी तो आप ऑर्डर कर पाओगे। इसलिए जो भी टू डेज डिलीवरी में अवेलेबल था ना वही सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, ताकि आपको मैं कुछ सजेस्ट कर सकूं और आपने भी कुछ आपको इनमें से पसंद आ जाए तो आप वैलेंटाइंस डे के लिए बाय कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस वाली ड्रेस से। इसका ना एक पर्पल कलर भी, थ्री कलर्स है इसमें एक कलर ऑलरेडी मेरे पास है, बट मुझे ये वाला कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही लाइट से पेस्टल कलर्स है, इसमें यूज़ किया गया है फ्लोरल प्रिंट के लिए। ऑल्सो ये फुल लेंथ की ड्रेस है, तो ऐसा भी नहीं है शॉर्ट ड्रेस है, बट हाँ ये स्लीवलेस है, बट आपके साइड में यदि ठंड हो तो इसके ऊपर में आप जैकेट वगैरह पहन सकते हो। तो ये जो फैब्रिक है ना ये सिफोन मटेरियल है। ऑल्सो इसमें स्वीस टॉट बनाए हुए हैं। ऑल्सो यहाँ बैक में इसमें इलास्टिक है, तो इसका फिटिंग बहुत ही अच्छे से आता है। एंड इसमें जो स्ट्रेप्स है वो एडजस्टेबल है, तो आपको नेक की जो लेंथ है वो जितने भी लो एंड अप रखनी है वो आप कर सकते हो आराम से। एंड ड्रेस में काफ़ी अच्छी फ्लेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है ये। ये बहुत ही प्यारी लगेगी वैलेंटाइंस डे, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर लंच पे या फिर डिनर पे जा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी ये वाली ड्रेस। एंड इसमें अंदर लाइनिंग भी है, तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आराम से पहन सकते हो। एंड ये अंडर 1000 रुपीज़ ही है। आई थिंक मोस्टली सारे ड्रेसेस अंडर 1000 रुपीज़ ही हैं। वैसे तो मोस्टली लोग वैलेंटाइंस डे पे रेड और पिंक पहनना प्रेफर करते हैं, बट यदि आपको कुछ अलग पहनना है तो अभी जो मैं आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ बहुत ही परफेक्ट है। ऐसा नहीं है रेड और पिंक नहीं है, रेड और पिंक भी है इस वीडियो में, ब्लैक भी है, सभी कलर से फ्लोरल सॉलिड एवरीथिंग, बट ये वाला जो ड्रेस है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा मुझे एंड काफ़ी प्यारा लगा, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। कलर, डिज़ाइन, पैटर्न सब कुछ बहुत ही यूनिक लगा। ये वन शोल्डर है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही नीचे आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा दिखता नहीं है। सो इस तरह से ये वन शोल्डर है, और वन साइड में आप देखोगे तो आपको रफल वाले थोड़े लूज से स्लीव्स मिलेंगे। पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये बहुत ही सुंदर से इस तरह की स्ट्रेट ड्रेस है, बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं है पर फैली हुई भी नहीं है, तो काफ़ी स्मार्ट लुक आता है। इसके साथ में आप ब्लैक हील्स और ब्लैक बैग कैरी करो और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक इसमें। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। एंड इसकी फैब्रिक भी थोड़ी डिफरेंट सी है, मतलब प्लेन फैब्रिक नहीं है। इस फैब्रिक को आप देखोगे ना थोड़ा क्रस्ट मटेरियल है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये ड्रेस। एंड आप डेफिनेटली इसको नाइट डिनर में जा रहे हो ना तो इसको पहन के जा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगेगी ये ड्रेस। जानना चाहोगे इस टॉप के बारे में, तो ये टॉप बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब सीन हुआ करता था उससे भी बहुत पहले मैंने इसको मंगवाया था, बट ये अभी भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। मुझे मिलेगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बट ये बहुत ही ओल्ड है तो मैं आपको भी लिंक नहीं दे सकती हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है वो है ब्लैक। ब्लैक किसको नहीं पसंद, ब्लैक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही गॉर्जियस लगता है। सो ये है ब्लैक कलर की एक बॉडीकॉन ड्रेस, एंड सिंपल सी ड्रेस है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट सा है, ऐसा नहीं कि प्लेन सा है, डिफरेंट सा पैटर्न बनाया हुआ है। ऑल्सो आपको पहनने उतारने में तकलीफ ना हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, फट ना जाए, उसके लिए यहाँ पर जिप दी हुई है। वन मिनट। सो यहाँ पे जिप दी हुई है, पहन के आराम से जिप लगा लो तो ये आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से हग कर लेगी। तो इस तरह से है ये ड्रेस। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज अंदर में लाइनिंग लगाई हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट ड्रेस है ये। ये भी नाइट पार्टीज वगैरह के लिए परफेक्ट है। जो नेक्स्ट ड्रेस है ये है ब्रांड फैबली से। ये लेस वाली ड्रेस है, बट इसका जो लेस का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसमें ऊपर से डिफरेंट टाइप का लेस लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो, बिल्कुल लाइट से पिंक कलर में। अंदर इसमें लाइट लाइलेक कलर है, ऊपर से पिंक कलर के लेस का डिज़ाइन वर्क है। एंड यहाँ बीच में भी आप देखोगे तो इस तरह से लेस वाला वर्क है। एंड ये फिट एंड फ्लैट ड्रेस है, शॉर्ट से स्लीव्स है, एंड इस तरह की है ये ड्रेस। ये मुझे ऐसे देखने में तो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, एंड कलर भी काफ़ी डल सा लग रहा है। बाकी मैं पहन के दिखा दूंगी यदि आपको समझ में आए तो, बट मुझे सामने से इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ही डल सा लग रहा है ये कलर। एंड फोटो में काफ़ी सुंदर लग रहा था, लाइलेक कलर दिख रहा था, बट ये जो ऊपर वाला
कलर है, मुझे लगता है रखे रखे उड़ गया हो या फिर क्या है पता नहीं। ऊपर का जो कलर है ना इसमें आप देख पाओगे तो बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा है। तो इस तरह से है ये वाली ड्रेस, जो सॉफ्ट भी नहीं है ज़्यादा और उतनी मज़ा नहीं आया इसको देख के पहन के, पता नहीं। नाउ यदि आपके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, जो होगी बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी खास करके नॉर्थ के साइड में, तो आपको फुल स्लीव ड्रेस चाहिए ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ऑल्सो ये 600 रुपीज़ के अंदर है, तो उस प्राइस में मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी। स्क्वायर नेक है और यहाँ बैक में ना जिप दी हुई है बहुत ही डाउन साइड तक, तो आपको इसको भी पहनने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसमें जो स्लीव्स है वो आपको फुल मिल जाएंगे। एंड काफ़ी सुंदर सी फ्लोरल प्रिंट वाली ब्लैक ड्रेस है, फ्लेयर भी नहीं और बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग भी नहीं है। कंफर्टेबल सी ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस है, आपको शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है तो आप इसको पहन सकते हो। ऑल्सो इसके साथ में यदि ठंड है तो बूट्स पहन लो, ऊपर से जैकेट पहन लो, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देगी ड्रेस, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। वैलेंटाइंस डे हो रेड ना हो वीडियो में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी रेड कलर की गाउन मंगवाई है, एंड ये फुल लेंथ की गाउन है, प्लेन है, सिंपल है, बट बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। सो इस तरह से है ये वाली गाउन, वी नेक में है और इसके बैक में ना आपको डबल डबल इस तरह के स्ट्रेप्स मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बन जाता है। ऑल्सो इसमें भी आपको जिप मिल जाएगी जो काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ तक आती है ये वाली जिप, तो आपको पहनने उतारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। पर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मुझे लगता है ये मुझ में काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, तो यदि आपकी हाइट 5'5" 5'6" है तो मे भी आपको परफेक्टली आ जाए। ऐसे आप देख करके समझ जाओगे ये मुझ में कितना आ रहा है, मेरी हाइट है 5'2", अगर मुझ में ये सही हुआ, बट मुझे लग रहा है कि मुझ में लॉन्ग होगा, मुझ में सही हुआ तो आपकी हाइट यदि मेरे जितनी है या फिर मेरे से कम ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको लेना है या नहीं लेना है। और अफोर्डेबल प्राइस की है ये गाउन, बट आप इसको अच्छे से मतलब थोड़े डेंटी ज्वेलरी पीसेस गोल्ड वाले जो होते हैं ना, मतलब गोल्ड लुकिंग वाले या फिर गोल्ड के अच्छे सुंदर सी चेन के साथ में, अच्छे सुंदर से इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट के साथ में पहनोगे, रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो काफ़ी प्रिटी लगेगी ये वाली ड्रेस। ऑल्सो ये जब आई है तो थोड़ी मुड़ी मुड़ी हुई सी लग रही है, बट मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कैसी लगेगी। मैंने एक रेड शॉर्ट ड्रेस भी मंगवाई है, मुझे लगा लॉन्ग मंगवा रही हूँ तो शॉर्ट भी मंगवा लेती हूँ। ये ड्रेस ना फोटो में जो दिख रही थी ना, फैब्रिक और डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, फैब्रिक तो डेफिनेटली डिफरेंट लग रहा था, बट यहाँ जो आया है ये जॉर्जेट मटेरियल में है, बहुत ही लाइट वेट की ये ड्रेस है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ऑल्सो इसमें जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरह से आएंगे, छोटे से स्लीव्स हैं, एंड इस तरह से है ये वाली ड्रेस। ये है ब्रांड लाइमियो से, और जो दिख रहा था फोटो में वो कुछ ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, ये मुझे बस नॉर्मल सी ओके ओके टाइप की ड्रेस लगी है। बाकी कुछ मेरे ड्रेस ना मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक करना। यदि आपके वहाँ की डिलीवरी 14 से पहले की दिखा रही है, 12, 13, 14 जब भी दिखा रही है, तो आप डेफिनेटली उसको ऑर्डर कर सकते हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो ड्रेसेस, अच्छे ब्रांड्स के भी हैं, लेकिन वो 9th-10th को मिल रहे थे, तो फिर मेरे पास आते, फिर मैं वीडियो बनाती, फिर जाता, तब तक फिर कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने उनको नहीं मंगाया, बट मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो देख सकते हो उनको भी। क्योंकि वैलेंटाइंस डे है तो मैंने कुछ कुछ गाउन एंड ड्रेसेस उनके लिए स्पेशल ऐड किए हैं जो भी सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए। बट यदि आप वेकेशन पे जा रहे हो, फिर कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो और घूमने जा रहे हो, तो उसके लिए भी इनमें से आप देख सकते हो, काफ़ी फ्लोरल एंड काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं इनमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है कुछ इस तरह की ड्रेस इस, और हाँ बाकी मतलब मोस्टली ड्रेसेस में ना आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, तो आपको यदि ये कलर नहीं चाहिए, कुछ और कलर चाहिए, तो आई थिंक इनमें से 6-7 ड्रेसेस ऐसे हैं जिनमें कलर ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ये मैंने लिया हुआ है ग्रीन कलर में, बट इसमें और 3 कलर्स अवेलेबल हैं। वी नेक है और इसका फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जॉर्जेट मटेरियल में है, फुल स्लीव्स है कुछ इस तरह से, एंड इसमें सिल्वर कलर के डॉट डॉट बनाए हुए हैं। भी एक फिट एंड फ्लेयर वाली ड्रेस है, मुझे ये ड्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, ऑल्सो इसका कलर भी काफ़ी डिफरेंट सा है, तो यदि आप रेड ब्लैक पिंक पहन के बोर हो गए हो तो आप ये ग्रीन कलर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है ये, मतलब टाइप का डार्क ग्रीन कलर होता है ना वो है, तो आप इसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो।
नाउ गाइस जो मेरी नेक्स्ट ड्रेस है वो है ब्रांड ओनली से, एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइलेक कलर की ड्रेस है, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। कुछ इस तरह की है ये ड्रेस, ये स्लीवलेस है बट इसकी लेंथ काफ़ी सही है, आपके नी के नीचे तक आएगी ये ड्रेस, एंड वीडियो में थोड़ी सी लाइट कलर लग रही है बट इसका कलर बहुत ही प्यारा है। ऑल्सो इसके जो फैब्रिक है ना वो अगेन जैसे येलो वाली की फैब्रिक थी ना क्रस्ट मटीरियल, वैसे इसमें स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स बनाए हुए हैं इस तरह से, आई होप आपको दिख रहा हो। एंड ये भी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड ये वाला कलर तो हर किसी पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है सारे स्किन टोन पे, तो आप इसे भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वेकेशन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि इसकी लेंथ भी प्रॉपर है, तो आप बीच वगैरह में भी जा रहे हो तो भी ये ड्रेस ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। नेक्स्ट मेरे पास एक प्लेन सी ड्रेस, इसमें भी 4-5 कलर्स अवेलेबल हैं, मुझे ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको मंगाया है। डिफरेंट टाइप का पिंक कलर है ये, एंड इसमें भी आपको स्क्वायर नेक मिल जाएगी। ऑल्सो इसको मैंने एल साइज़ में मंगा लिया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो मैंने इसको एल साइज़ में मंगा लिया, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप अपने साइज़ का ही इसको मंगवा सकते हो। सो इस तरह से है ये वाली ड्रेस, इसमें पूरी ना स्वीज टोट वाली डिज़ाइन बनाई हुई है जैसा कि आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी फ्लेयर भी है इस ड्रेस में। ऑल्सो इसमें स्लीव्स भी आपको फुल मिलेंगे, लूज लूज से स्लीव्स हैं, एंड स्लीव्स में अंदर लाइनिंग नहीं है, आप देखोगे तो बैक में पूरी लंबी सी जिप दी हुई है यहाँ तक आती है ये जिप, तो ये भी इजी है वेयर करने में, एंड इसके फ्रंट का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है कुछ इस तरह से। तो ये वाली ड्रेस भी काफ़ी सुंदर है गाइज, यदि आपने अभी तक इस कलर को नहीं पहना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ब्लैक और एक कोई सा कलर है, एक दो कलर्स और भी हैं बट मुझे ब्लैक और ये ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इसको मंगाया। और जो मेरी लास्ट ड्रेस है वो है फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस, ये भी वी नेक में आएगी, एंड लाइट सी फ्लोरल ड्रेस है, और इसका जो मटेरियल है वो है पॉलिस्टर, फुल स्लीव्स हैं, एंड स्लीव्स में यहाँ देखोगे तो इस तरह की इलास्टिक लगाई हुई है, एंड इस तरह से है ये ड्रेस। ये भी फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है, और कहीं भी घूमने जा रहे हो बीच वगैरह में या फिर मतलब घूमने जा रहे हो वेकेशन वगैरह में तो इस ड्रेस को आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। क्वालिटी इसकी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक ठाक लगा मुझे ये। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।